आज भी हमारा देश जो इतना डेवलप हो चुका है, तो आज जब उन चीजों से आज भी तो वो चीजें चल रही है, ऊंच नीच का भाव तो आज भी है। तो मैं एक सवाल आपसे काउंटर पूछना चाहता हूँ, जो मोटे पदों पर बैठे हुए हैं, क्या उनके साथ अछूत का व्यवहार होता है अभी? अगर सेम वही स्थिति दोबारा से अगर देश में आती है जो आज के 50 से 60 साल पहले थी, तो उस चीज के लिए क्या कोई नया कानून में आपने संशोधन किया है? 21 अगस्त को आज पूरे भारत के अंदर भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निर्णय आया था जिस पर रिजर्व समाज की यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वापस लिया। मैं सुजीत स्वामी एडवोकेट और मेरे साथ है पृथ्वी भाई, हम इसमें चर्चा करेंगे। तो किस तरह की डायरेक्शन में हमारा देश जा रहा है, किस तरह का जो भारत बंद आज रखा गया है, क्या संवैधानिक है, क्या ये भारत बंद की आवश्यकता थी? तो हम इसी में बात करेंगे कि जो भारत बंद की जो मांग की गई थी अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों के द्वारा, कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यह रिजर्वेशन के ऊपर चोट करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये आपको लगता है पृथ्वी की इस तरह का जो रिजर्वेशन के ऊपर जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, पहले जान लेते सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस प्रकार ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो पार्ट में डिवाइडेशन होता है, उसी प्रकार एसएसटी समुदाय के अंदर अब इस तरह का डिवाइडेशन हो जाना चाहिए, यानी कि जो संपन्न हो चुके हैं रिजर्वेशन का लाभ लेकर के, अब उनको वो रिजर्वेशन छोड़ करके जो असंपन्न है, जिन तक अभी आरक्षण पहुंचा नहीं है, उन तक ये आरक्षण पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये ऐतिहासिक मेरी दृष्टि में है, कि जो संपन्न आरक्षण का फायदा लेकर के आज मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं, अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, क्यों अब उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्यों नहीं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जो अभी तक इस अधिकार से वंचित रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है, और इस निर्णय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। तो अगर इस आरक्षण में आप संशोधन चाहते हैं, तो क्यों ना ऊंच नीच का जो भेदभाव, आज भी हमारा देश जो इतना डेवलप हो चुका है, तो आज जब उन चीजों से आज भी तो वो चीजें चल रही है, ऊंच नीच का भाव तो आज भी है। हाँ, आपकी बात पृथ्वी बिल्कुल ठीक है, ऊंच नीच का भाव बिल्कुल, जो अभी भी अछूत कैटेगरी जो मानी जाती है कि अछूत रखा जाता है दलित समाज को, वो सही है। तो लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, ये तो उन लोगों के लिए आया है जो आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं ले चुके हैं। आप कहते हो कि आरक्षण जो अछूत है वो अभी भी जारी है, तो मैं एक सवाल आपसे काउंटर पूछना चाहता हूँ, जो मोटे पदों पर बैठे हुए हैं, क्या उनके साथ अछूत का व्यवहार होता है अभी भी? देखो, उनके साथ अभी तक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि लोगों में डर है उनकी कुर्सी का, उनके पद का। अगर वो आज उस पद पे नहीं होते, या मान के चलते हैं वो आज इस पद पे बैठे हुए हैं और आज के 15 साल 20 साल बाद वो रिटायर होते हैं, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद में अगर सेम वही स्थिति दोबारा से अगर देश में आती है जो आज के 50 से 60 साल पहले थी, तो उस चीज के लिए क्या कोई नया कानून में आपने संशोधन किया है? तो उसके ऊपर कानून ऑलरेडी बना हुआ है, एसएसटी एक्ट हमारा चलता है। अब आपने जो बोला है कि जो उनकी कुर्सी के डर के मारे कि जो लोग हैं उनके साथ अछूत का व्यवहार नहीं करते, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो नीचे तबके के लोग हैं जो उस कुर्सी पर अभी आ ही नहीं पाए, अभी तक आरक्षण के लाभ लिया ही नहीं उन्होंने अभी तक, क्या उन तक ये आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचना चाहिए? अभी क्या हो रहा है, फ्रंट लाइन में लोग खड़े हुए हैं, अधिकारी का बेटा है वो आरक्षण का लाभ लेकर अधिकारी बनता है, उसका बेटा फिर आरक्षण का लाभ लेकर अधिकारी बन जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में जिनको आरक्षण की जरूरत है, जो उसका लाभ लेकर के अभी तक सरकारी सेवा में आए, नहीं सरकार की किसी स्कीम से डायरेक्ट जुड़ पाए, उन तक आरक्षण तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। मतलब आज जो हमारी ये सरकार है, जो कोर्ट का जो फैसला है, मतलब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी ज्यादा ऊपर सोच सकते हैं, आपका ये कहना है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, बाबा साहब अंबेडकर की भी विचारधारा यही थी कि आरक्षण को जब अंतिम व्यक्ति तक छुआछूत खत्म नहीं हो जाएगा, अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ नहीं मिलेगा, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। छुआछूत तो सर आज भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, छुआछूत खत्म नहीं हुआ है तो हमको दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हम आरक्षण का ना तो कोटा घटा रहे हैं, ना आरक्षण के अंदर कुछ कमी कर रहे हैं, लेकिन हमने ये बोला है कि जो 10 लोग शुरू से 1947 से लेकर अब तक आरक्षण का लाभ लेते आए हैं, उन्हीं 10 लोगों को क्यों अब आरक्षण का लाभ दिया जाए, क्यों वो आरक्षण का लाभ अन्य 99 लोगों को, 90 लोगों को मिले? सर, घूम फिर के बाद दोबारा वही आएगी कि आज तो उनको मिल जाएगा, ठीक है, अब आज जब वो रिटायर हो जाएंगे कुछ समय बाद में, और दोबारा से जब उनका परिवार एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह एक नॉर्मल समाज में जिएगा, तो उनका एक कैंडिडेट है जो नॉर्मल समाज में जिएगा, तो कहीं ना कहीं उसको उस प्रताड़नाओं का अगर सामना करना पड़ गया जो आज के 50-60 साल पहले करते थे, तो उसके लिए कोई नया फिल्ट्रेशन थोड़ी है। आप लोगों ने एक आरक्षण की गाइडलाइन में तो फिल्टर लगा दिया, पर उनकी जो एक सामाजिक जिंदगी है छुआछूत को लेकर, उसमें आपने फिल्टर कहां लगाया? सरकारी नौकरी पाने के बाद रिटायर तो आज भी होगा। हमारी मांग जो सुप्रीम कोर्ट से जो कही गई है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वो ये कहा गया है आदेश में कि जो अब संपन्न हो चुके हैं उनको आरक्षण का लाभ उनके बेटों बच्चों को नहीं मिले। अगर सपोज करो आज जो आईएएस बन चुके हैं उनके बेटा भी आरक्षण का लाभ लेके आईएएस बनेगा, तो वो जो रोड पर रेड़ी लगा रहा है या जो इस तरह के काम कर रहा है जिसको फ्रंटलाइन स्कीम में वो कभी आ ही नहीं पाया,
तो क्यों ना वो आईएएस का बेटा जो लाभ ले रहा था वो लाभ उसको छोड़ करके उस गरीब बच्चे को दिया जाए जो उसका वास्तव में 1947 से लेकर अब तक भुगत रहा है जातिवाद का दंश है, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये जो भारत बंद की जो मांग की गई है एक तरीके से मेरी नजर में पूरा राजनीतिक रसूख वालों ने करी है। हमने देखा भी है कि वाल्मीकि समाज का कोटा में कोई इसको सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो जानते हैं, हकीकत पहचान चुके हैं, क्योंकि जो पहले से आरक्षण का 1947 से लेकर लाभ लेते आए हुए हैं आज तक लाभ ले रहे हैं, और जो वंचित रहे हैं उनको सिर्फ वोट बैंक के माध्यम से उनको सिर्फ मूर्ख बनाया गया है। जैसा कि आप कह रहे हैं मूर्ख बनाया गया और आज तक जो भी वोट बैंक की राजनीति हुई है, तो इस भारत बंद को सपोर्ट करने वाला भी तो आपकी सरकार है। नहीं, भारत बंद को सपोर्ट हमने किया ही नहीं है। भारत बंद के जो मांग की गई है वो दलित समाज के द्वारा एक मजबूत वर्ग के द्वारा की गई है। जो कमजोर वर्ग है वो तो सपोर्ट ही, वो तो जानता ही नहीं है कि भारत बंद से हमारा लॉस क्या है। मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर की सरकार अब इतनी मजबूर हो चुकी है कि कोई भी समाज आएगा और उनके कहने पे भारत बंद हो जाएगा। नहीं, समाज सरकार का मतलब वो समाज सही कह रहा है, सरकार का इसका लेना देना ही नहीं है। इसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर भारत बंद को सपोर्ट किया है। बीजेपी जो सत्तारूढ़ी पार्टी है उसका कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में तो भाजपा सरकार है, सरकार भले ही है लेकिन भारत बंद का जो आह्वान था दलित समाज ने किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, और जो बीजेपी है वो कभी भी आरक्षण के खिलाफ रही नहीं है। हालांकि मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बीजेपी या कोई सी भी राजनीतिक पार्टी राजस्थान की नहीं पूरी अपनी तो पूरे भारतवर्ष की एक भी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। लेकिन अब मांग ये उठती है कि अब वंचितों को जो दलित समाज के अंदर भी वंचित है, जो आज तक पीछे के सिर्फ वोटर बनते हुए आए हैं। आप भीमसेना के अंदर देखोगे चंद्रशेखर आजाद क्या है, वो सांसद है। भीमसेना के जो बड़े पदाधिकारी है वो सब कौन है, बड़े बड़े पदों पर है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते। वो मांग किससे करते हैं, आग लगाने के लिए उन गरीब लोगों से जो आरक्षण के नाम पर आज तक कुछ ले ही नहीं पाए। तो ये जो बड़े लोग हैं उन गरीब लोगों को डरा करके आज भी उनको मूर्ख बना करके सिर्फ झंडा उठाने का काम कर रहे हैं ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां बची रहे, इनकी राजनीतिक जमीन बरकरार रहे। उनको उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो आज भी जातिगत आरक्षण का दंश झेल रहे हैं, उनको फायदा नहीं मिला है। आरक्षण के नाम पर सिर्फ चंद लोगों ने रेवड़ियां खाई है। आज क्यों नहीं आईएएस का जो बनता है वो आईएएस अपने बेटे को छोड़ करके गरीब उसी के समाज के बच्चे को समझाए कि इस तरह से तू फैसिलिटी अवेल कर, लेकिन वो नहीं बताते। क्योंकि इसका कारण है कि उनको पता है कि अगर हमने सबको अवेयर कर दिया, सबको इस आरक्षण के बारे में बता दिया तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, एससी कैटेगरी के अंदर ही कंपटीशन बढ़ जाएगा। हमने कोटा में भी देखा प्रदीप भैया कि किस तरह से गुजर समुदाय के हों, भील समुदाय के हों, रोड पे मतलब गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो रोड पे रहते हैं वो, तो एक प्रकार का जो कार्य शुरू से उनका चलता रहा उसी कार्य को कर रहे हैं। उनको किसने अपडेट किया कि आपको आरक्षण का लाभ मिल सकता है? क्यों दलित समाज के जो ठेकेदार है ये क्यों नहीं जाते वहां पे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था ये उस संविधान का ही एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सही बात है। अब उस प्लेटफॉर्म ने क्यों ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन पारित नहीं किए जिसकी वजह से जिन गांव ढाणी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो आज भी संसाधनों के अभाव में अपनी जीविका चला रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, वहां तक कोई ऐसी संस्था क्यों नहीं पहुंची है? उन्होंने ऐसा क्यों कोई रूल नहीं निकाला जिससे वो लोग भी इंस्पायर होके और खुद बोल सके कि हाँ हम लोग आज एक संपन्न परिवार हो चुका है तो हम इस आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते। कोई भी आगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आया है क्यों, क्योंकि आज भी वो खुद को मजबूर समझते हैं 1947 में पहले वाली जिंदगी के लिए, क्योंकि समझने के पीछे का उनका कारण यही है ना, क्योंकि उनमें डर है। डर किस चीज का है? अपर कैटेगरी के लोगों का क्या डर है कि क्यों अगर 47 से पहले की स्थिति अगर आ गई तो हमारा साथ देगा कौन? जिस SC ST एक्ट की आप अभी बात कर रहे थे उस SC ST एक्ट के अंदर भी, उस कानून व्यवस्था के अंदर भी नीचा दिखाने की भी पूरी कोशिश की जाती है कि इस एक्ट का सहारा लेके आज आप क्रीमी लेयर वाले अपर कैटेगरी के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो एक काला धब्बा काला छीटा उनके ऊपर मारा जाता है आज। नहीं, पहली बात जैसे जातिगत आरक्षण की बात होती है तो मैं तो जातिगत आरक्षण के पक्ष में ही नहीं हूँ। मैं देख ये इस बात की मैं मांग करता हूँ सरकार से कि जातिगत के आधार पर ना हो जबकि जरूरतमंद के आधार पर हो। अगर और हर इंसान बोलता है जातिगत व्यवस्था खत्म कर दो, शुरुआत करो ना यार, फॉर्म में मत लिखो कि हम फलाना जाति के, हम ढीगना जाति के, नहीं पता चलेगा। आज हम सिटी में रहते हैं, आज हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वेटर हमारे पास जब लेके आता है तो हम एक्सपायर्ड होटल का नाम देख के जाते हैं। वह नहीं पता कुक कौन है, वह नहीं पता वेटर कौन है, वह नहीं पता सर्व करने वाला कौन है, ये नहीं पता कि थाली हमारे सामने जो आई है उसमें कौन खाना खा के गया है। तो जब वहाँ किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ नाम जानते हैं कि XYZ राजू नाम है, XYZ का नाम ललित है, एक का नाम बबलू है, जब हम जानते ही नहीं कि उसकी जाति क्या है तो हम कहाँ उसमें भेदभाव कर रहे हैं। और सिटी में देखा जाए अब तो जातिगत व्यवस्था आरक्षण के नाम पर हम देख रहे हैं कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब बात आती है गाँव की, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, गाँव में हम अभी भी यही कह रहे हैं। सिटी में जो मजबूत हो चुके हैं आरक्षण का लाभ लेते हुए, उनको जब वो आरक्षण जब वो कुर्सी छोड़ेंगे उस कुर्सी के ऊपर जब भी तो जो गांव ढाणी के लोग हैं वो आके बैठेंगे,
उनको पता ही नहीं है कि हम कुर्सी पे पहुंचे कैसे, क्योंकि जो कुर्सी पे उन्हीं के समाज के लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। अपने बच्चों को तो ट्रेन कर देते हैं कि ये फॉर्म भरो, ये एग्जाम का कॉम्पिटिशन दो, इस तरह से सब्सिडी मिलती है, लेकिन उन गली गाँव के अंदर जो पिछले तबके के लोग हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचाया अभी तक, उनको क्यों अवेयर नहीं किया गया। बिल्कुल सुजीत भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो प्रशासनिक पद पे लोग बैठे हुए हैं, अब किसी और को मौका मिलना चाहिए, उन्हीं के समाज से जो लोग आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भी ये है आरक्षण के नाम पे कि जो लोग अभी प्रशासनिक सेवाओं में हैं, बड़े पद पे हैं, पर आज भी हम देखते हैं कोई किसी मंत्रालय के अंदर गया है, कोई किसी मंत्री के बंगले पे गया है, किसी मंत्री के ऑफिस में गया है, या किसी बड़ी बड़े अपर लेवल के अधिकारी के बंगले पे गया है, या किसी ऑफिस में गया है प्रोफेशनल काम को लेकर, तो आज भी उनको हीन भावना से देखा जाता है और एक तुष्टिकरण की भावना उन पे लगाई जाती है। तो अगर इस आरक्षण को उस क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में अगर डिवाइड कर दिया जाएगा एक फिल्टर लगा के, तो आज के 1947 से पहले वाली दोबारा स्थिति वो पैदा हो जाएगी। तो उस कंडीशन में फिर क्या किया जा सकता है, क्योंकि आरक्षण वाली जो एक सीढ़ी थी वो तो आपने समाज के लिए खत्म कर दी कि भाई एक अगर उसमें चढ़ गया तो दूसरे वाला उसका लाभ नहीं ले सकता। तो एक तो चढ़ गया, उसका काम हो चुका है, उसने उसकी लाइफ जी ली, पर जो उसका बेटा है, अब वो बेटा तो उस निचली सीढ़ी पे आज भी बैठा हुआ है, क्योंकि वो आज भी देख रहा है कि मेरे पिताजी ने एक सीढ़ी ऊपर ली थी, मेरे भाई ने एक सीढ़ी ऊपर ली थी, बट फिर भी वो किसी अधिकारी के पास जाते थे, या उनसे अपर लेवल का कोई अधिकारी होता था, या वो किसी भी एक प्रोफेशनल ऑफिस के अंदर जाते थे, कुछ भी होते थे, बट आज भी तुष्टिकरण तो होता था। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर के वापस इसी को कोट करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आरक्षण अनंत काल तक रहना चाहिए क्या इसी स्कीम के साथ? तो ये अनंत काल तक वो जो अभी आईएएस अधिकारी है उसका बेटा आरक्षण लेगा, वो भी आईएएस अधिकारी बन जाएगा, फिर उसका बेटा आरक्षण लेगा, वो भी आईएएस अधिकारी बन जाएगा, ये चेन क्या आरक्षण के तहत मिलती रहनी चाहिए? तो फिर इस चेन को कब ब्रेक किया जाएगा कि जो नीची तबके का लोग है उसी समाज का, अन्य जो परिवार के उन्हीं के काका बाबाओं में दूर बैठा हुआ है गाँव के अंदर, वो कब उस चेन के बीच में आ पाएगा? बिल्कुल आपकी बात से सहमत करता हूँ, वो चेन ब्रेक होनी चाहिए। हाँ, मैं खुद इसका सपोर्ट करता हूँ कि ये चेन ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन उस चेन को ब्रेक करने से पहले वो चेन ब्रेक होगी हम सबके एक होने से, हमारे समाज को एक होने से। क्यों आपकी सरकार ऐसा बोलती है कि दलित समाज के साथ ऐसा हुआ, दलित के लड़के के साथ ऐसा हुआ, दलित की लड़की से वहां छेड़छाड़ हुआ, क्यों नहीं हिंदू समाज बोल के हमें आज भी रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया? देखो, हिंदू समाज बिल्कुल दलित जो होते हैं, अगर हम कॉलम देखेंगे तो धर्म अभी भी भारत के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम से जाना जाता है, दलित नाम का कोई धर्म नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने एक नया फूट डालो और राज करो वाली स्कीम के तहत दलित शब्द को उत्पन्न किया, ताकि हिंदुओं से एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट जो शाखा थी जिनसे सबसे मिलकर हिंदू जमा था बना था, उसको एक शाखा को काटने का प्रयास ये बाहर की शक्तियों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है कि दलित हिंदुओं का पार्ट नहीं है। ये बिल्कुल गलत है और हम इसकी मतलब पुरजोर विरोध करते हैं। दलित भी हमारे हिंदू भाई है। आज जैसा कि हमने उदयपुर के अंदर देखा, देवराज मोचे जो दलित समुदाय से थे उनकी हत्या हुई, तो पूरा हिंदू समाज, कोई भी वहां पे भेदभाव नहीं था, पूरा हिंदू समाज एक देवराज के लिए न्याय की मांग कर रहा है पूरे देश में, क्योंकि उसको मारा किसने था, आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रांताओं ने। तो पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के मांग करता है। तो अब जब बात आती है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो जो आपने बोला है वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल खत्म करके सभी को हिंदू होना पड़ेगा तभी हम सबका अस्तित्व बचेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश के तहत जो नीचे तबके के दलित के लोग हैं जिन्होंने सदियों से आरक्षण का फायदा नहीं लिया है, जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा, और एक ही परिवार के लोग 1947 से लेकर अब तक फायदा लेते जा रहे हैं, ये अनंत काल तक चलता रहेगा, इसी की इनकी डिमांड है, क्योंकि इनको पता है अगर हमसे ये रास्ता छीन करके हमारे ही समाज के जो नीचे के लोग हैं, जो हमारे सामने नीचे बैठते हैं या जिनको मूर्ख बनाते हैं, उनको हक दे दिया जाएगा तो हमारी पूंछ बंद कर देंगे और हमारे इक्विवेलेंट आकर के बैठ जाएंगे। तो खुद के ही समाज के लोग नहीं चाहते, मजबूत एसएससी समाज के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि गरीब एसएससी समाज का व्यक्ति हमारे बराबर आकर के बैठे, हमसे आंख मिलाकर के बात करे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो आया है उसकी हम तारीफ करते हैं और हम उसको मांग करते हैं सरकार से, उसके ऊपर अमल किया जाए ताकि जो दलित पिछड़ा समाज अभी भी मौजूद है वो भी बराबर आके खड़ा हो मजबूत एसएससी समाज से, ताकि जो उनको मूर्ख बना के राजनीति करते हैं उसके ऊपर ब्रेक लगाया जाए। सबको इस देश में बराबर का अधिकार है, विकास सबका होता है, विकसित होने का अधिकार सबका है, सबको न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ हम इसको डिबेट को खत्म करते हैं, फिर नई डिबेट नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।